HTML images. तो आज हम images के बारे में discuss करेंगे. Images मतलब क्या होता है? आप website पे देखते रहेंगे कि हर तरह के images होते हैं, तो images डालने के लिए image tag लगता है. उसका syntax क्या है? Simple है. Image, source, उसके बाद source में URL का, image का path, उसके बाद alternate test, by chance image execute नहीं हुआ तो उसके जगह पे कोई टेस्ट दिख जाता है. उसके बाद स्टाइल, स्टाइल में क्या होता है? विड्थ, उसकी हाइट, विड्थ उसके बाद उसका हाइट, वो हम स्टाइल्स में दे देते हैं. और ये टैग क्लोज हो जाता है, मतलब उसको क्लोजिंग नहीं होता. ये हो गया इमेज टैग. ये सिंटैक्स है, ये इमेज टैग का सिंटैक्स. यूआरएल की जगह हम उसका पाथ दे सकते हैं, जैसे कि अपना एचटीएमएल है, html.jpg. ये इमेज है, तो ये इमेज एग्जीक्यूट करना है तो उसके जगह पे html images. अभी देखो, जैसे कि इमेज एग्जीक्यूट नहीं होता है, html images शो होगा. और उसका ये वो साइज हमने जो है 300x300, वो साइज में वो एग्जीक्यूट अभी ऑटो डाल दिया है यहाँ पे, तो वो जितना साइज है उसका उतना वो ले लेगा. इसका साइज ऑटो रहेगा, लेकिन आप देख लीजिएगा इमेजेस का साइज कभी ऑटो ना रखिए, ताकि आपका उसमें पेज भी डिस्टर्ब हो सकता है. तो आप एक वो फिक्स इमेज को हमेशा साइज रखिएगा. अभी उसको स्टाइल, हम उसको ये जो स्टाइल यहाँ लिखा हुआ है वो हम स्टाइल में भी दे सकते हैं इमेज. ओके, लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि आप जहाँ जहाँ इमेज टैग यूज करेंगे उसको वो साइज ऐटो रहेगा. तो समझो आपने यहाँ 200x200 साइज लिखा, 200x300, और इसको एग्जीक्यूट किया, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि आप जहाँ जहाँ इमेज टैग यूज कर रहे हैं उसका सबका साइज वो स्टाइल शीट से उठा लेगा. और अभी देखो, किसी प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा इमेज का एक फोल्डर होता है, वहाँ से इमेज उठाते हैं, तो इसको पाथ कैसे देना है? जैसे कि अभी देखो, यहाँ इमेज नहीं है तो हमने जो अल्टरनेट टेस्ट दिया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और अभी हम इमेज का पाथ दे रहे हैं. देखो, हम इस तरह से देते हैं क्योंकि वो ये फोल्डर का पाथ है. एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो हमें पाथ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. और फोल्डर में इमेज है, हाँ ओके है, तो सही है. ये हमने इमेज का पाथ दिया, वो देखिए ये इमेज एग्जीक्यूट हो रहा है. तो इस तरह से हम इमेज का पाथ दे सकते हैं. अभी ये दो तीन टाइप से दे सकते हैं. ये है, उसके बाद फुल पाथ है. फॉर एग्जाम्पल ये फुल पाथ है, कोई वेबसाइट URL है वहाँ से हम दे सकते हैं, या हम गूगल का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल. ये इमेज है फॉर एग्जाम्पल, ये ही ले लेते हैं इमेज URL. ठीक है, ये URL है, ये लेना है हमें, तो ये आप क्लिक करेंगे, ये URL यहाँ डाल देंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे. तो ये देखिए, ये मैं जा रहा है. अभी इसका साइज हम अभी कुछ स्टाइल नहीं देते उसको, सिंपल जिस साइज में वो साइज में वो ले रहा है ये इमेज. ये हो गया एक्सटर्नल पाथ फुली आ रहे. इसके बाद अभी उसको स्टाइल में जाके आप फ्लो अलाइनमेंट भी दे सकते हैं. फ्लोट मतलब हमें एक इमेज लेफ्ट को चाहिए
और एक इमेज राइट को चाहिए। अभी हुआ नहीं, कुछ गलती हुई होगी मेरी। देखिए एक राइट को आ गया, एक लेफ्ट को आ गया, हम उसका भी साइज बढ़ाते हैं। देखिए इस तरह से एक लेफ्ट को आ रहा है, एक राइट को आ रहा है, ऐसे हम इमेज को फ्लोट भी दे सकते हैं, फ्लोट लेफ्ट। हम उसको अब लिंक भी दे सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था लिंक टाइप। लिंक टैग का सिंटेक्स का आपको पता है, एच टैग और ये और है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो URL पे आ जाते हैं। देखिए इस टाइप भी इसको, हाँ जैसे कि हम दूसरा पेज का URL लेते हैं, अभी फुल URL। इस इमेज पर क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट पे लेके जाएगा। देखिए इस तरह से ये है फॉर यूआरएल।